स्वामी जी, अब सवालों का वक्त हो चला है। लोग सीधे आपसे अपने सवालों के जवाब जानेंगे और आप शिकागो में बैठकर उनके सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल हैदराबाद से रेखा का है। मेरे को 5 साल से शुगर है। मेरा पाँव में बहुत जलन रहते और 1 महीने से कंटिन्यू योग कर रही हूँ इंडिया टीवी देख के। उपाय बताए स्वामी जी। तो देखो, जो जलन रहती है उसके लिए गोखरू और धनिया का पानी पीना और गोक्षरादि चंद्र प्रभाव की लेनी। वात का ही एक विकार है, वात और साथ में पित्त दोष दोनों प्रकटित हो जाते हैं, तो जलन के साथ से पीड़ा होती है। तो गोक्षरादि और चंद्र प्रभाव की एक ही गोली ले लें, गोखरू और धनिया का पानी पी लें। फिर भी किसी को ज्यादा जलन रहती हो तो बेल, शीशम और नीम के पत्ते सबको उपलब्ध हो जाते हैं। बेल, शीशम, नीम के पत्ते या पीपल के पत्ते, वैसे तो हम इसमें दूरवा घाट भी बताते हैं। और किसी को बहुत ही ज्यादा अंदर से गर्मी लगती है, उससे भी जलन होती है, तो उसके अंदर गोंद कतीरा रात को एक चम्मच भिगो दे, एकदम फूल जाता है वो, पीने में भी बहुत असर अच्छा। बाद मिक्सी में भी पानी में डाल करके उसको घोट के पी सकते हैं, खा के भी देखिए तो जलन भी नहीं होती, दर्द भी नहीं। अगला प्रश्न आपके स्वामी जी, पंजाब से काजल का सवाल आया। उनके गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन है, पत्थर है, पथरी की दिक्कत है उनको। स्वामी जी, मेरे गॉल ब्लैडर में 8 से 10 mm के स्टोन है, मल्टीपल स्टोन है, पूरा गॉल ब्लैडर भरा हुआ है, क्या इसका कोई उपाय है? तो आपका ये प्रश्न है ना, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों के मन में गलत फहमी है कि गॉल स्टोन तो डिजॉल्व होता ही नहीं, किडनी स्टोन तो फिर भी निकल जाता है। गालगढ़ में स्टोन हो, पेनक्रियाज में स्टोन हो, गले में स्टोन हो, कहीं पर भी कैल्सिफिकेशन हो रखा हो, एक दवाई हमने नई बनाई है, ये 30 वर्षों की मेहनत के बाद 2 साल पहले हमने तैयार की, इसका नाम है लीथोम। लीथोम 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार आप खा लेना, 1 महीने में सारे अंदर का जो गाल स्टोन है वो डिजॉल्व हो जाएगा। पत्थर चटे मिल जाए तो और अच्छी बात है, सप्ताह में 1-2 बार आप तुलस की दाल भी ले लेना, ऐसे अश्मरी और क्वास तो पतंजलि का आता है, वो उबाल करके पी ले, जल्दी अच्छे हो जाएंगे। स्वामी जी, एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। नोएडा से अशोक ने अपना सवाल भेजा है। मेरा WCV बड़ा हुआ है, WBC बड़ा हुआ है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, कोई तरीका बताएं? WBC प्लेटलेट, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था जब हार्ट के ऊपर बात कर रहे थे हम प्रारंभ में ही, इनकी सुनो तो, ये किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं लेकिन कोरोना के बाद ये उपद्रव ज्यादा हुआ और मैंने लोगों को सुबह गोधन अर्क और किसी को तो गोधन अर्क भी नहीं दिया और दिन की छाल दाल के नहीं पिलाया। WBC और प्लेटलेट इनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, इससे ब्लड कैंसर के भी चांस बढ़ जाते, वो 100% अच्छे हो जाते। स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं गाजियाबाद से, जो कि सुनील का है। अपने पिताजी के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उनकी उम्र जो है 73 साल है और उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, उनका क्रिएटिनिन जो है वो 3 है, लेकिन अब उनको सांस फूलने की प्रॉब्लम हो रही है, कृपया कोई उपाय बताएं। सांस भी क्रिएटिनिन की कारण से भी फूलता है और मैं दोनों का अलग अलग उपाय बता देता हूँ। एक तो गोखरू और धनिया का पानी से पीना ही है, पीपल नीम के पत्तों का रस भी लेना, साथ में रेनोगिट सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली 3 बार ले, और इसका असर हार्ट पर गया तो हार्ट भी कमजोर हो जाता है जिनका क्रिएटिनिन वो बढ़ता है कई बार। तो पिताजी को शुगर हो तो अर्जुन घनवटी, शुगर ना हो तो अर्जुन अरिष्ट ये दे दे या हृदयामृत दे दे, तो सांस खुलने की भी दिक्कत नहीं होगी। किसी किसी को किडनी के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी थोड़ा प्रभावित होता है, लंग के अंदर पानी जमा हो जाता है किसी किसी को, तो स्वासारी और ब्रोनकॉक ये भी 1-1 गोली दोनों की, एक फिर पूरी तरह से उनको सांस लेना भी बंद हो जाएगा, किडनी अच्छी हो जाएगी। किडनी के लिए पॉइंट भी जरूर बताएं, दवाई ऐसे और कोई प्रश्न होता हो ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल अहमदाबाद से शोभना का है। मेरी मॉम को वेरिकोन्स वेंस है, पैरों में जलन होती है और सूजन आ जाती है, प्लीज उपाय बताइए बाबा जी। तो देखो, वेरिकोज वेंस के लिए तो बेस्ट है लीफ थेरेपी, मिट्टी, एलोवेरा,
हल्दी, इसलिए गुगल और थोड़ा कपूर भी मिला करके लगा देते, लेप कर देते, इससे भी फायदा हो जाता है। पूरा कर सके तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अर्ध हलासन भी करें, अर्ध हलासन करें, सर्वांगासन करें या शीर्षासन करें, लेकिन जिनको तृप्तता फिगर हो वो बोलिए ना, ये 100% मेरे को जेल अच्छा होता है। कपाल माते लोलो मिलो चढ़ाने करना जरूरी है जी। और कई बार किसी भी कारण से बुखार आ रहा हो तो गिलोय धनवटी गरना सतवती, अभी तो वैसे भी बहुत तरह के फ्लू चल रहे हैं, गिलोय धनवटी, सुदर्शन धनवटी, गरना सतवती या फीवोग्रिड साथ में ले ले, तो बुखार आदि भी कभी किसी को नहीं आएगा। 100% जिस कारण से बुखार हो तभी निवारण जी। स्वामी जी एक सवाल और शामिल कर लेते हैं, अनिकेत का है रायबरेली से। स्वामी जी मेरे नेल्स खराब हो गए हैं, डॉक्टर ने मुझे नेल सोराइसिस बताया है, कोई इलाज बताइए। ओहो क्या खराब हो गए हैं? नेल्स, नाखून, उनके नेल सोराइसिस डॉक्टर ने बताया। नाखून बताओ, छोटे से बच्चे को नाखून नेल्स खराब हो गए, तो एक तो आप अमित जी की तरह ज्यादा मत घूसना, हमारे अमित जी और उज्जैन जी बहुत घूसते रहते हैं। तो आप क्या करना, ये नेल्स खराब होते बेटा कैल्शियम की कमी के कारण से, तो दूध दही छाछ अच्छे से खाना और सुबह सुबह 1 घंटा धूप में बैठ करके योगाभ्यास करना, 1 घंटा धूप में खेलना, 100% अच्छे हो जाएंगे। तो दूध दही छाछ अच्छे से लेना, इम्यूनिटी की लो होने से ऐसा होता है। मैंने 2 दिन पहले हमारे पूज्य स्वामी व्यास देव जी, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने उनको इम्यूनोग्रिड खिलाया, कर्क्यूमिन गोल्ड खिलाया, तो आप भी इम्यूनोग्रिड दो दो ले सकते हैं, कर्क्यूमिन एक एक ले लें, तो कर्क्यूमिन गोल्ड एक एक, इम्यूनोग्रिड दो दो लेते रहेंगे, आप प्राणायाम करते रहेंगे, पूरी तरह से आप अच्छे हो जाएंगे, नेल्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, एकदम लाल रहेंगे, अंदर से सफेदी भी नहीं रहेगी। एक और सवाल देख लेते हैं स्वामी जी, हरियाणा से संदीप का है। हमारी 4 साल की बेटी है, पिछले 2 वर्ष से उसको यूरिन में प्रोटीन निकलने की समस्या है, चंडीगढ़ पीजीआई से इलाज चल रहा है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। प्रोटीन लीकेज का कोई इलाज नहीं है अमरीका तक की, और बहुत महंगा इलाज कराते हैं, उसके भी परिणाम नहीं आते। तो गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा पिला, गिलोय गोखरू आंवला 1-1 चम्मच ले लिया, उसका काढ़ा बना करके पी लिया, चंद्र प्रभावती गोक्षरादि के दिन छोटे बच्चों को एक एक, बड़ो छोटे बच्चों को आधा आधा और बच्चे 10-12 साल के उनको एक एक गोली दे दो चंद्र प्रभा गोक्षरादि, और रिनोग्रिज ये किडनी के फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए होता है, तो वो भी एक एक गोली सुबह शाम छोटे बच्चों को बड़ों को दो दिन की। प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम बहुत लोगों का, पेशाब उठते गगला गगला आता है, झाग आते हैं पेशाब में, और प्रोटीन लॉस या लीकेज होने के बाद जब पूरे शरीर में भी कमजोरी आती है, बॉडी का डेवलपमेंट भी पूरा नहीं हो पाता है, इसका 100% सोल्यूशन है जो अभी हमने बताया, जो गिलोय गोखरू आंवला के अंदर बहुत अच्छा दी, ये पॉइंट भी जरूर बताएगा। और स्वामी जी शिकागो स्पेशल टिप ऑफ द डे का इंतजार सबको है, लेकिन उससे पहले कल के कार्यक्रम के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं, सुपर पावर अमेरिका के लिए कैसे खतरा बनी हार्ट डिजीज, चक्कर, घबराहट, कमजोरी, दिल की सेहत क्यों बिगड़ी, शिकागो में योग गुरु की क्लास, 40 मिनट में मजबूत बनाएं अपना हार्ट। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, ताकि दिल आपका हमेशा सेहतमंद रहे, हमेशा जवान रहे, उम्र आपकी चाहे जितनी हो जाए। स्वामी जी हर घर के किचन में मौजूद तेज पत्ता जो होता है खाने का जायका बढ़ाता है, स्वाद बढ़ाता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप बहुत सारे लोग इसके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं जो आज आप बताने वाले हैं टिप ऑफ द डे के तौर पर? देखो तेज पत्ता ये डाइजेशन को अच्छा करता है, तेज पत्ता सबसे बड़ी बात है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को एकदम स्ट्रेंथन कर देता है, तो जिनको भी कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल बार बार बने रहते हैं वो तेज पत्ता का प्रयोग जरूर किया करें, और जब चावल में डाल देते हैं तेज पत्ता तो बाद में जो उसका बघार करने के बाद उसके सारे गुण चावल के अंदर आ जाते हैं, उसको आप अलग कर सकते हो। जब आप दाल में डालते हो, सब्जी में डालते हो, उसमें भी आप पूरा का पूरी पत्ते को ही डाल देते हैं और उसका गुण पूरा आ जाता है, तो पाचन भी अच्छा रहेगा, उससे सर्दी जुकाम कफ कोल्ड से भी बच जाएगी, इम्यूनिटी भी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और उससे मन को भी शांति मिलती है, अर्थात भोजन में स्वाद भी मिलेगा और
मन को शांति भी मिलेगी। और तेज पत्ता आपको घरों में आप लगा सकते हैं, नर्सरी में मिल जाता है तेज पत्ता। तो जैसे हमने आंवला एलोवेरा गिलोय आदि बताया, और वैसे भी 4 अगस्त को तो जड़ी बूटी दिवस हम मनाते हैं, तो घर में ही आप तेज पत्ता लगा लीजिए और ऐसे ही कभी कभी खा भी लीजिए। तेज पत्ता खाने से मुंह की दुर्गंध और पारिया भी दूर हो जाते हैं मेरे भाई बहन। आज हमें विपरीत परिस्थितियों के बीच में कार्यक्रम किया, पहले कैमरे से किया, फिर कैमरा भी काम करना बंद कर दिया, तो फिर जो है हमने मोबाइल के द्वारा शूटिंग की है। और उद्देश्य इतना ही था कि सब तक हम हमारा जो नियम हम उसको निभा सके। और आज मिलेनियम पार्क शिकागो से हमने कार्यक्रम दिया, कल नई लोकेशन पर समुद्र के किनारे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।